तकनीक की आज की आवश्यकता है, लेकिन लोक कल्याणकारी विकास के लिए संवेदनशीलता अपरिहार्य है। सिर्फ तकनीकी में कैद होकर आत्मा को गिरवी नहीं रखा जा सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। तकनीकी का बेहतर उपयोग तब होता है जब इसके साथ संवेदनशील दृढ़ इच्छा शक्ति जुड़ी होती है। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। वह रविवार शाम महात्मा गांधी कॉलेज परिसर में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की प्रतिमा का अनावरण तथा इस शिक्षण संस्थान के संस्थापक राम गरीब लाल की स्मृति में नवनिर्मित सभागार और वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद के भवन का लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संकट काल में जब दुनिया में अपनी शक्ति की दादागिरी दिखाने वाले देश पस्त थे, तब भारत ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में संवेदनशीलता और तकनीकी के सामंजस्य से मात्र 9 माह में 2 कोविड वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया के सामने मानवता की सेवा का नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत ने यह दिखा दिया कि उसमें विश्व गुरु बनने का सामर्थ्य है और आज हम उसी संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी ने विद्यार्थियों में जोश का संचार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का युवा सबसे ऊर्जावान है, इसे देखकर गौरव की अनुभूति होती है। आज वह देश दुनिया में कहीं भी जाते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यूपी का युवा आत्मीयता के भाव से कार्य करते दिखाई देते हैं। वह प्रदेश के विकास में योगदान देने को उत्सुक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम व दक्ष बनाने के लिए इस सरकार कई कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। अभ्युदय कोचिंग की योजना से अब उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार अगले 2 वर्षों में 5 करोड़ स्नातक परास्नातक तथा तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। अब तक 15 लाख छात्रों को इस स्मार्टफोन में टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर एक छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप आर्थिक स्वावलंबन के राष्ट्रीय पद पर आगे बढ़ते हुए समाज व राष्ट्र के हित में अपना योगदान दे। इसके लिए प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री डिजिटल योजना, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ODOP योजना आदि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षण संस्था का यह दायित्व है कि वह शासन की नीतियों से खुद को जोड़ते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराए। इन योजनाओं से जुड़कर विद्यार्थी डिग्री लेकर भटकने को मजबूर नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को नसीहत देते हुए कहा कि आज समय के अनुरूप चलने की आवश्यकता है। जो भी समय की गति को नहीं समझेगा वह पीछे छूट जाएगा। हमें यह जानना होगा कि आज की आवश्यकता क्या है। समय अनुरूप निर्णय नहीं होने पर हम कोसों दूर रहकर एकाकीपन का हिस्सा हो जाएंगे, इसलिए हमें समय के हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमें यह विचार करना होगा कि आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक हम कैसा भारत देखना चाहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत देखने के लिए हमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए 5 प्रणों से खुद को जोड़ने का संकल्प लेना होगा। इसमें युवाओं की बड़ी भूमिका है। सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण करने में हम सब की जिम्मेदारी है। अपने क्षेत्र के कर्तव्य का पालन ही राष्ट्रीय कर्तव्य है और ऐसा करते हुए हम नए भारत की नई तस्वीर बनाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखना हम सबका दायित्व और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी में यह भाव दिखाकर अभिनंदनीय कार्य किया है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व प्रबंधक प्रेम नारायण श्रीवास्तव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेम बाबू जिससे भी मिलते थे उनके सहज व्यवहार से वह उनका हो जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय है। कार्यक्रम नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से MG कॉलेज में 200 की क्षमता वाले कन्या छात्रावास की मांग की गई।
इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रस्ताव तैयार करके भेजिए, इस प्रस्ताव पर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने तथा आभार ज्ञापन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने किया। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी व महात्मा गांधी कॉलेज के प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, शिव नारायण श्रीवास्तव, श्रीमती ममता नारायण, गंगा दयाल श्रीवास्तव, दीप नारायण, हरिनंदन लाल श्रीवास्तव, पूर्वी नारायण, राहुल नारायण, MGPG कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, MG इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह आदि मौजूद रहे। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के शिक्षण संस्थाओं के पूर्व शिक्षकों व मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। अरे डंडा हटा रहा, लंबा डंडा हटा रहा।
भारत माता की, भारत माता की। और इसी क्रम में एक पुष्प गुच्छ के लिए, एक पुष्प गुच्छ प्रेम कर रहे हैं। यहाँ से बैठे बैठे 1913 में यहाँ के जिलाधिकारी जेएम सिंहसन साहब ने इसका शासन के या किसी निधि के हम लोगों ने बच्चों के सहयोग से धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया और 2020 में हमने इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और यह हाल पूरी तरह सुसज्जित है और इस हॉल में एक वास्तविक का कार्य हमारी बेटी श्रुति की कंपनी ने कंप्रेस्ड एक्रो फाइबर जो महाराज जी के आशीर्वाद से 2018 में स्टार्टअप में यूपी में पुरस्कृत हुई थी। ये भी श्रीवास्तव जो हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल रहे थे और ये अनावरण। मैं इस योजना के बारे में आपको बताना चाहूँगा क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित है। यह हमारी नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया है। हमारे तीनों हम 6 एवं 7 पीरियड के स्थान पर 8 पीरियड चलेंगे। एक पीरियड नैतिक शिक्षा का होगा। हम लोगों ने यह जो परिषद गठन किया है इसमें 60 वर्ष के ऊपर के महिला और पुरुष इसके सदस्य हो सकते हैं। डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सुबोध चंद वर्मा जी, नेताजी जी का सम्मान हो रहा है जी, भाई धर्मेंद्र जी को, विजय कुमार श्रीवास्तव जी, गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप की पहचान और हमारे वाटरिंग डिपार्टमेंट विद्वान शिक्षक, रसायन विभाग और इस महाविद्यालय के प्रधानमंत्री सानिया गुप्ता, मैथ बायोलॉजी देव यानी देव, होम साइंस रसायन विज्ञान में प्रियंका, अपति विज्ञान में श्रेया सिंह। कॉलेज की प्रगति में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी के समाज के प्रति लगाव और समर्पण केवल हमारी स्मृतियों में नहीं है, वो आप इस प्रांगण में देख सकते हैं, हर समाज में देख सकते हैं जिसके वो सदस्य थे। देश विदेश में आज भी उनकी प्रेम और उन्होंने क्या किया है, तरह तरह के समाज, तरह तरह के संस्थाओं के साथ आज भी जीवित है। सिर्फ कॉलेज ही नहीं, उनका योगदान रोटरी लॉज सहजयोग कायस महासभा धार्मिक कल्चरल काफ़ी संस्थाओं के साथ था और हैरानी की बात यह है कि उन सभी संस्थाओं में उन्होंने सबसे ऊंची पदवी प्राप्त की। जिस संस्था में वो जुड़ जाते थे उसमें पूरे लगन के साथ तन मन के साथ उसमें अपना योगदान देते थे। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी की प्रतिमा के अनावरण एवं राम गरीब लाल सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष सम्मानित श्री
शिव बैंड श्रीवास्तव जी, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के अध्यक्ष सम्मान्य श्री कविता देव श्रीवास्तव जी, राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज के अध्यक्ष श्री प्रदीप नारायण जी, इस संस्था के पूर्व छात्र और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव श्री मयंकेश्वर नाथ पांडे जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, राहुल नारायण जी, एमजीपीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार जी, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी इंटर कॉलेज श्री ओम प्रकाश सिंह जी, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण, इस सोसाइटी के अंतर्गत संचालित तीनों संस्थाओं के सभी प्रबंध समिति के पदाधिकारी, सभी उपस्थित शिक्षकगण और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज और इंटर कॉलेज से जुड़े हुए सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस संस्था के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण लाल श्रीवास्तव जी को, जिनकी प्रतिमा का आज अनावरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महात्मा गांधी पीजी कॉलेज और नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने अपने पूर्व प्रबंधक की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए आज उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के एक मूर्त स्वरूप को इस संस्थान में स्थापित करके विरासत के प्रति सम्मान का जो भाव व्यक्त किया है वह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं इसके लिए नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि 1909 में नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई, 113 वर्ष पहले जिस संस्था ने गोरखपुर में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ योगदान करना है यह एक संकल्प लिया होगा, स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम भी उसी रूप में आज हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज रविवार है और रविवार के साथ ही किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का सामान्य कार्य दिवस प्रातः काल 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक होता है। रविवार के साथ 4 बजे के बाद अपने संस्थापक और संचालक की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता, 11,000 छात्र छात्राओं की उपस्थिति विरासत के प्रति सम्मान के एक उत्कृष्टतम उदाहरण को प्रस्तुत करता है। यही भारत है। स्वर्गीय प्रेम नारायण लाल श्रीवास्तव जी के बारे में कौन ऐसा उत्तर प्रदेशवासी होगा जो उनके बारे में न जानता रहा था। प्रेपा और सरलता के कारण जिससे भी प्रेम बापू का संपर्क और संवाद होता था वो उनका हो जाता था।
कितना उनके मन में आत्मीयता का भाव होता था, और यही कारण रहा है कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज रहा हो या डिग्री कॉलेज, रामनैंड लाल इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज हो या फिर यहां पर अधिवक्ताओं के बीच में कार्य करते हुए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए किए गए उनके प्रयास, गोरखपुर के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के साथ उनका जुड़ाव एक अलग ही व्यक्तित्व लगे प्रेम बाबू का हम सबके सामने प्रस्तुत करता रहा। आज भी हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनका सहृदय का पूर्ण व्यवहार, आत्मीयता पूर्ण जो व्यवहार था, वह आज भी हर व्यक्ति को प्रेरित करता है, एक नई दिशा देता है। और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की उन्नति, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की प्रगति के पीछे भी स्वर्गीय प्रेम बाबू का वह परिश्रम और पुरुषार्थ था कि जिसके पास भी वे गए सहजता के साथ उसे अपना बना लिए, और देखते ही देखते यहाँ एक प्रतिष्ठित संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश का बन करके इसने शिक्षा के क्षेत्र में अभिनंदनीय कार्य किया, और निरंतर आज भी अपने संस्थापकों की भावनाओं के रूप यह संस्थान कार्य कर रहा है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान की सदी के सबसे बड़े महामारी का सामना भी हाल ही में हम लोगों ने किया। कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपने देखा होगा पूरी दुनिया फंसी थी, समृद्धि के लिए दुनिया पर दादागिरी दिखाने वाले तमाम देश एक अदृश्य वायरस के सामने पस्त होते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी समझ ही में नहीं आ रहा था क्या होना है, कैसे इससे लड़ना है, कैसे इसका प्रबंधन करना है। कहीं ना कहीं कोई वोट जरूर होगा कि हमने चुनौतियों से जूझने के लिए शिक्षा व्यवस्था ने हमारे युवाओं को या ऐसी पीढ़ी को तैयार करने में कहां कोई कमी रह गई हो कि कोरोना के सामने दुनिया पस्त थी, लेकिन दुनिया के सामने भारत अपने आप में उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना देर किए निर्णय लेकर के देश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सबसे अच्छा माना गया। जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इस संस्थान में ज्यादातर छात्र छात्राएं गोरखपुर महानगर जनपद, गोरखपुर कमिश्नरी, बस्ती कमिश्नरी और आसपास के जनपदों के ही यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, और हम सब जान रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये सभी जनपद भैया इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी की चपेट में थे। 1 से 15-16 वर्ष तक के आयु तक के बच्चे प्रतिवर्ष इस महान इस बीमारी की चपेट में आते थे और समय काल कालकल्पित होते थे, और उसके उपरांत केवल समाचार पत्रों की सुर्खियों तक ये सभी समाचार सीमित रह जाते थे। इंसेफ्लाइटिस के उपचार के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, गोरखपुर के एक सांसद के रूप में सड़क से संसद तक हम लोग अनवरत इस लड़ाई को लड़ते थे।
लेकिन इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905-6 में बन गया था और भारत तक पहुंचते पहुंचने में उस वैक्सीन को 100 साल लगे 100 साल। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी में महामारी आने के 9 महीने के अंदर एक नहीं दो दो वैक्सीन भारत के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाया और अब तक कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ डोजेस फ्री में भी लगाई जा चुकी है। यानी यहां सरकारों की इच्छा शक्ति जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि तकनीक हो तो तकनीक का उपयोग हम लोग कल्याण के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम तकनीक में कैद होकर के नहीं रह जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तकनीक आज की आवश्यकता है, लेकिन तकनीक में कैद होकर के हम अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रख सकते। तकनीक का उपयोग तब जब मनुष्य अधिकाधिक संवेदनशील ही बने और कोरोना वैक्सीन यह सरकार की संवेदनशीलता का ही परिचायक है कि जनता के प्रति अपनी जवाबदेही और संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हुए समय पर वैक्सीन, समय पर उपचार, समय पर टेस्ट और समय पर हर गरीब के लिए फ्री में राशन की सुविधा यह सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा था। सरकार ने इस कार्यक्रम को सफलता जब दुनिया कोरोना महामारी में पस्त थी तब भारत अपने आप को दुनिया के अंदर एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा था। ये संकल्प जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने रखा है और मैं धन्यवाद दूंगा क्या यहां पर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने अपनी संस्थाओं में रिटायर्ड शिक्षकों को मेंटर के रूप में स्थापित करने के लिए जो एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया है। रिटायर्ड शिक्षक संस्थान में आएंगे, वहां पर रह करके वे इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे और कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के साथ साथ न केवल अपने अनुभव का बल्कि नैतिक रूप से इन बच्चों को समाज और राष्ट्र के प्रति उनके उत्तरदायित्वों के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, बल्कि उन्हें एक योग्य नागरिक के रूप में किन कर्तव्यों का पालन करना है इसके बारे में भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। एक अभिनव प्रयोग है, मैं नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का यह समय हम सबको समय के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए सदैव सजग रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। जो भी समय की इस गति को नहीं समझ पाएगा वह बहुत पीछे छूट जाएगा। समय की तेज गति के साथ हमें अपने आप को जोड़ना होगा, हमें अपनी गति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज की आवश्यकता क्या है, अगर हम समय के अनुरूप नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे उसके अनुरूप, अगर हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे तो हम फिर कोसों दूर रह जाएंगे, हमसे समाज कई आगे निकल जाएगा और प्रतिस्पर्धा में अगर पिछड़ने का मतलब हम अपने आप को
अकेले महसूस करने के लिए। एकांकीपन जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता, हम एक समय के रूप अपने आप को तैयार करना होगा और समय के रूप तैयार करने के लिए आज की आवश्यकता क्या है। सरकार ने इस संबंध में बहुत सारे निर्णय लिए और मैं अक्सर जब किसी शिक्षण संस्थान में जाता हूं कुछ मुद्दों पर जरूर बात करता हूं। एक, आखिर हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं समाज से और सरकार की नीतियों से निरपेक्ष क्यों हो गई? जिस समाज ने हमें जीने के लिए उचित माहौल दिया है, क्या उस समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? हर व्यक्ति का दायित्व है। हमारे निर्माण में केवल मेरी व्यक्तिगत मेहनत ही या मेरे परिवार की मेहनत ही सहायक नहीं है, इसमें पूरे समाज का कंट्रीब्यूशन है, हर एक का योगदान है। तब एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है और फिर वह लोक कल्याण राष्ट्र कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर पाता है। समाज के प्रति उन उत्तरदायित्वों को समझने का प्रयास, एक छात्र जब आगे बढ़ता है योग्य नागरिक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए आगे बढ़ता है, उनके माता पिता उनके शिक्षक का योगदान होगा लेकिन साथ साथ समाज का भी उस पर एक ऋण है, उस ऋण से वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता और इसलिए समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझना। दूसरा, शासन की नीतियों के साथ अपने आप को जोड़ना, शासन की नीतियों के साथ कि केंद्र और राज्य सरकार ने कौन से ऐसे कार्यक्रम युवाओं के लिए दिए हैं, समाज के अलग अलग तबके के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको लागू करने से किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का और समाज के जीवन में व्यापक परिवर्तन का हम कारण बन सकते हैं। युवाओं के लिए ही अगर हम देखें, ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हर एक छात्र अपनी रुचि के अनुरूप कार्यक्रम को तय कर सकता है और अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को उसके अनुरूप ढाल करके अपने आर्थिक स्वावलंबन का आधार भी तैयार कर, स्वयं तैयार कर सकता है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो या प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या प्रधानमंत्री डिजिटल योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो या फिर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो या वे तमाम प्रकार की योजनाएं तो युवाओं को एक आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय की योजना, स्वामी विवेकानंद तकनीकी सशक्तिकरण की योजना और भी अन्य अनेक योजनाएं हैं जिन योजनाओं की जानकारी हर छात्र छात्रा के पास अगर रहेगी तो वह अपने आप को, अगर कहीं उसे लगता है कि उसे स्वयं अपने पैरों पर आर्थिक रूप से खड़ा होकर के स्वावलंबन पर अग्रसर होना है तो ये सभी योजनाएं उसके लिए अत्यंत सहायक हो सकती है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं इन सब से अपने आप को दूर कर देती है और अंततः छात्र छात्रा उससे वंचित रह जाता है। अपनी डिग्री लेने के बाद वो भटकता है, मुझे अब क्या करना है। ये प्रशिक्षण हमें उसकी डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के दौरान ही उपलब्ध कराना पड़ेगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके लिए आपको उचित मंच प्रदान कर रहा है। एक साथ आपको ये सुविधा होगी कि आप अपनी शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी उस प्रकार के मंच को उपलब्ध करा सकते हैं और उस प्रकार का रास्ता चिन्हित कर सकते हैं जिसमें माँ बाप के ऊपर ही आश्रित होने की बजाय हर छात्र और छात्रा स्वयं में अपने आप को सक्षम और तकनीक से युक्त भी बना सकता है। सरकार ने इसी दिशे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, अभ्युदय कोचिंग की सुविधा। मुझे याद है कोरोना कालखंड में जब
फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो मैं अपनी बसेज भेज रहा हूँ, आप हमारी बसेज को रोकेंगे नहीं। और फिर मुझे उत्तर प्रदेश से एक साथ 500 बसेज भेजनी पड़ी थी उन राज्यों में, और वहां से उन बच्चों को सुरक्षित लेके आना पड़ा। परिवारों को लेकिन एक चैलेंज हम सबके सामने था कि बच्चे कोई नीट की तैयारी करने के लिए गया है, कोई IIT JEE की तैयारी करने के लिए गया है, कोई MBA की तैयारी के लिए वहां कोचिंग ले रहा था, कोई राज्य के PCS की सर्विस के लिए और कोई UPSC की सर्विस के लिए वहां पर अपनी तैयारी करने के लिए गया था, अलग अलग क्षेत्र में कोई बैंकिंग PO के लिए गया था। इस सुविधा को हम उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा लें और इसमें कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हम इसको उपलब्ध करवाएंगे। जब इस पर कार्यवाही प्रारंभ हुई तो उसी क्रम में सरकार ने तय किया कि हम मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की योजना शुरू करेंगे जो निःशुल्क होगी हर छात्र के लिए, हर छात्रा के लिए, और इसमें दोनों सुविधाएं हम देंगे। एक कोचिंग के साथ जुड़ेंगे वे लोग जिन्होंने स्वयं इस फील्ड में सफलता प्राप्त की है, और दूसरा इस फील्ड में सफलता प्राप्त करने के साथ ही इसे हम फिजिकली भी देंगे और वर्चुअली भी व्यवस्था देंगे। आज आप देख रहे होंगे लाखों युवा उत्तर प्रदेश की अभ्युदय कोचिंग की सुविधा के साथ जुड़े हुए हैं, और जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उन्हें हम लोग प्रदेश के अंदर टैबलेट भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश इस बात के लिए गौरव की अनुभूति कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के साथ ही सबसे ऊर्जावान और प्रतिभावान युवा भी उत्तर प्रदेश के पास है, और मुझे उत्तर प्रदेश के अपने युवाओं पर गौरव की अनुभूति होती है। देश के अंदर कहीं मैं जाता हूं, दुनिया के अंदर कहीं भी मैं जाता हूं, मुझे उत्तर प्रदेश का युवा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई देता है, मेहनत करते हुए दिखाई देता है, और उत्तर प्रदेश के प्रति आत्मीयता का भाव रखते हुए दिखाई देता है। जब भी मैंने उनसे आह्वान किया यूपी के बारे में, वह बढ़ चढ़ करके आगे आकर के उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान देने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। तो हमारा यह उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान युवा है, जो कॉलेजेस में अध्ययन कर रहा है, विश्वविद्यालय में, तकनीकी संस्थानों में, मेडिकल के संस्थानों में अध्ययन कर रहा है, इस युवा को तकनीक से सर्विस तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए भी राज्य सरकार कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। इस जिससे हम लोगों ने अभिनव योजना प्रदेश के अंदर चलाई है कि हर स्नातक और उपस्नातक छात्र अथवा छात्रा को हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन की सुविधा से युक्त करेंगे, और इसमें अब तक हम 15 लाख युवाओं को इस सुविधा दे चुके हैं। आगामी 5 वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को इस सुविधा से जोड़ने के कार्यक्रम के साथ सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। इन्फोसिस जैसी संस्थाओं को हमने इसके साथ जोड़ा है कि प्रोग्राम थे, आप एक साथ अपने कॉलेज में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके, दुनिया के किसी भी लाइब्रेरी में किसी भी विषय से संबंधित कौन सा पाठ्यक्रम वहां पे संचालित हो रहा है इसको देख सकते हैं और उसे अपना ज्ञानार्जन भी कर सकते हैं। ये सुविधा राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रही है, और ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं अपने सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, हम समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करें, और ये हमारा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी PG कॉलेज की स्थापना हुई थी 1969 में, जब देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी महोत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर रहा था 1969, और 1969 में महात्मा गांधी PG कॉलेज की स्थापना होती है। महात्मा गांधी
उसने साइंस बैकग्राउंड के लिए एक मजबूत आधारशिला यहां पर रखी है, और देखते ही देखते यहां से हजारों की संख्या में अच्छे साइंस ग्रेजुएट, साइंस प्रास्नातक यहां से गए और देश और दुनिया के अंदर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाओं के माध्यम से न केवल कॉलेज को बल्कि गोरखपुर और उत्तर प्रदेश को भी एक प्रतिष्ठा दिलाने में अपना योगदान दिया। और यह वर्ष हम सबके लिए सौभाग्यशाली है कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा। आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य पर्व पर 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को अपने संबोधन में देश के नागरिकों का आह्वान किया। आह्वान इस बात को लेकर करते हुए उन्होंने पंच प्रण के साथ देश को जोड़ने के लिए कहा, ये पंच प्रण हमारे संकल्प के हिस्से होने चाहिए। ये पंच प्रण इस बात को लेकर के कि जब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा उस समय हमें कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत चाहिए, एक सक्षम और समर्थ भारत चाहिए, दुनिया के अंदर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ भारत चाहिए, एक ऐसा भारत चाहिए जो दुनिया को नेतृत्व देते हुए दिखाई देना चाहिए, जो दुनिया के पीछे भागने वाला नहीं जिसके पीछे दुनिया भागती हुई दिखाई दे। आज हमारा युवा अगर खड़ा हो जाए, समाज जीवन का प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो जाए, हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे, एक सक्षम और समर्थ भारत का निर्माण करेंगे। ये केवल सरकार का दायित्व नहीं, हर भारतवासी की जिम्मेदारी बनती है। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, और इस दिशा में हमारा प्रयास अगर आगे बढ़ता है ये नए भारत की नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। राम गरीबलाल जी ने 1909 में 12-15 एकड़ लैंड गोरखपुर महानगर के बीच में थी, तब नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती है 1909। कल्पना करिए, देश गुलामी की भेड़ियों से चकड़ा हुआ था, हर चल रही थी। 1909 में नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती है, उसके 12-13 वर्ष के बाद 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना घटित होती है, 1942 में डोहरिया की घटना घटित होती है, और 1947 में देश आजाद होता है। शिक्षा उस समय के महापुरुषों के लिए कितना महत्वपूर्ण था, वे जानते थे किसी भी सशक्त और समर्थ राष्ट्र की आधार सेवा है शिक्षा, उसके सर्वांगीण विकास की नींव है शिक्षा। शिक्षा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, और उस दृश्य से सक्षम बनाने के लिए गोरखपुर आसपास के सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर उत्तम शिक्षा प्राप्त हो सके, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती है। और नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी विगत 113 वर्षों से निरंतर अपने संस्थापकों के मार्गदर्शन में, वो अपने संचालकों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज जीवन के शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ता हुआ आज यहाँ पर न केवल अपने संस्थापक स्वर्गीय राम गरीबलाल जी के स्मृति को तरोताजा बनाए रखने के लिए एक नए सेंटर को जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित होती है उस महापुरुष के नाम पर एक केंद्र यहाँ पर संचालित होने लगता है। और साथ जिन्होंने 50 वर्षों तक इस संस्थान को नेतृत्व, एक यशस्वी नेतृत्व दिया, एक नई ऊंचाइयां दी, स्वर्गीय प्रेम बाबू की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम, उनकी स्मृतियों को तरोताजा करते हुए
इस संस्थान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ पर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने जो प्रस्ताव मेरे सामने रखे हैं, वे प्रस्ताव मुझे दे देंगे, हम लोग अवश्य कार्रवाई करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से स्वर्गीय प्रेम बाबू की स्मृतियों को नमन करते थे। हो गया ना, उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक शिक्षा भी होते थे। आप सोचिए, प्रेम बाबू 91 वर्ष की आयु जी, अपने समय में उन्होंने MSc LLB की थी, यहाँ के प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे, एक शिक्षाविद भी थे, इस संस्थान के संचालक प्रबंधक भी थे, और साथ साथ उन्होंने अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ जुड़ करके गोरखपुर को सदैव विकास के पथ पर अग्रसर करने का जो सपना देखा था, आज वो सपना साकार हो रहा है। मैं इस अवसर पर उस महामानव को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महाविद्यालय परिवार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार करते हुए राष्ट्र को योग्य और सक्षम नागरिक देने में सफल होगा, इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप बैठे हैं, दस मिनट या आपका नैतिक कर्तव्य